यार मेरा व्लॉग खराब करने में सबसे बड़ा हाथ मजर आप ही का है। क्यों आ जाते हैं मेरे पीछे पीछे? तुम अकेले में क्या यहाँ पीछे? हम तुम्हारी एक्टिंग देखने आए थे। देख ली? Hey guys, welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो अभी बज रहा है सुबह का 7:45 और आज है हमारे यहाँ नौरोज की नज़र। आज है 20 मार्च, तो 20 मार्च को ही नौरोज की नज़र हो रही है आज सुबह, और 8:30 बजे मतलब 8:36 पे होगी नज़र। तो नज़र का जो इंतज़ाम है वो सब करने जा रहे हैं। अभी मज़र नहा रहे हैं। इसमें अंडा रखा जाता है, फूल रखा जाता है पानी में, सत्तू रखे जाते हैं, और आपकी हरा कलर निकला है तो हरी मिठाई रखी जाएगी, नए फ्रूट्स रखे जाते हैं इसमें। ककड़ी ककड़ी इतनी ज़्यादा मज़र लेकर आए हैं, देखिए इतनी ककड़ी आ गई है यहाँ पर, इतनी ककड़ी ले आए हैं क्योंकि यहाँ बॉम्बे में ककड़ी नहीं मिल रही थी, बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। किसी तरह से बस ढूंढ ढांड के पता नहीं कहाँ से ले आए, और ये ककड़ी नहीं ककड़ा लेकर आ गए। बहुत मोटी मोटी ककड़ी यहाँ मिल रही है, तो खैर ये आ गई है। तो ये रखा जाता है, और नए नए जो फ्रूट्स होते हैं वो रखे जाते हैं नौरोज़ में। तो नौरोज़ बेसिकली हमारे यहाँ नया साल होता है, आज नए साल की तरह हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो आज हमारा नया साल स्टार्ट हुआ है जिसको हम नौरोज़ कहते हैं। पांच मिठाई हो गई ना ग्रीन। अब इसमें यहाँ पर अंडा आएगा। तो गई नज़र हो गई है, और 9:45 बज चुका है, नज़र का टाइम भी निकल गया है, नज़र भी हो गई है, माशाल्लाह से सब कुछ हो गया है। और मेरे आप पीछे देख रहे हैं किस तरह से हम लोगों ने इसको सजाया है, और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें रखी रहती हैं क्योंकि ये नज़र थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो इसमें ना कलर भी हम लोग बहुत खेलते थे पहले, मतलब जब हम लोग छोटे थे तो कलर खेलते थे हम लोग, रंग खेलते थे इसमें, और अभी भी होता है, मतलब लखनऊ में कहीं ना कहीं होता है कलर। तो बहुत मज़ा आता था नौरोज़ में, बहुत ज़्यादा मज़ा आता था जब हम लोग छोटे से थे। हम लोग बहुत रंग खेलते थे, बहुत ज़्यादा रंग खेलते थे, बहुत मज़ा आता था ना। नौरोज़ का इंतज़ार रहता था कि हम लोग रंग खेलेंगे, उसका इंतज़ार रहता था। नए कपड़े भी आप इसमें रख सकते हैं, नए कपड़े भी मम्मी मेरी रखती थी इसमें। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं नौरोज़ में, बहुत मज़ा आता था पहले। अब तो कलर वगैरह नहीं कोई खेलता है, सब बड़े हो गए हैं, सबकी शादियाँ हो गई, कोई कलर वगैरह नहीं खेलता है, लेकिन पहले बहुत खेलते थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। तो अभी मैं जा रही हूँ किचन में काम करने, नज़र जा रहे हैं ऑफिस, मैं जा रही हूँ खाना बनाने, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ दिल में। तो ये इस तरह से मैंने लगाया है, और ये जितने भी यहाँ पर टॉयज़ थे वो सब कुछ हटा दिए थे मैंने, क्योंकि नज़ है और यहाँ पे टॉयज़ फिर वो सही नहीं रहता। तो ये रखा हुआ है यहाँ पर, ये चिरागी के पैसे भी रखे। अभी मैं नज़र के बाद मैं जा रही थी खाना वगैरह बनाने के लिए, और मुझे इतनी तेज़ चक्कर आया, पता नहीं मेरा BP लो हो गया था एकदम से। तो मज़र ने बोला जल्दी से कॉफ़ी पी लो, लेकिन मुझसे कॉफ़ी नहीं पी गया, मैंने फ़ौरन फटाफट पानी पिया। मुझे बहुत तेज़ चक्कर आया और एकदम से वॉमिटिंग फील होने लगी, तो मैंने फटाफट पानी पिया, और मुझे ना चाय की बहुत ज़्यादा हो रही थी, मुझे चाय पीनी थी, तो मैंने फटाफट से चाय पिया। बिल्कुल BP लो हो गया था मेरा, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा था मुझे, बहुत ही तबीयत एकदम से ख़राब हो गई थी। मैं जब चाय वगैरह पिया है तब थोड़ा सा मैं नॉर्मल हुई हूँ। आज हमारे यहाँ किचन में पानी नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया, कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। और मेरे चाय पर मतलब आ रहा है, बहुत धीमा धीमा सा आ रहा है, जैसे जैसे बर्तन तो धुल गए। अभी मैं सिक्योरिटी में पूछवाती हूँ कि क्या है, वो बोल रहा है कि आप ही के फ्लैट में नहीं आ रहा है और सामने वाले फ्लैट में नहीं आ रहा, मतलब हमारे फ्लोर पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्या, या टैंकर नहीं आया है, क्या प्रॉब्लम है। अभी जल्दी से सारा काम कर लेते हैं, क्योंकि अशर सो गया है, अशर जाग जाएगा तो मुझे कुछ नहीं करने देता है वो, तो फटाफट से काम कर लेते हैं, जो भी बनाना बनाना है खाने के लिए वो बना लेते हैं। तो सब सिर्फ मैं जा रही हूँ फटाफट किचन का सारा काम करने, मतलब खाने वगैरह का काम करने, भाग भाग के सब काम करना होता है। अभी वो सो रहा है, उसको एक बार चेक कर लेते हैं, वो सो रहा है आराम से, फटाफट से कुछ बना लेते हैं और उसके बाद खाएंगे, क्योंकि पानी की बड़ी दिक्कत हो रही है। तो अभी फटाफट से दाल बना लेते हैं, तो
तो अभी मैंने दाल चढ़ा दी है और जल्दी से खाना बन जाएगा। अशर उठेगा भी तो मुझे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, मैं आराम से खाना बना लूँगी फटाफट से, क्योंकि खाना बनाना फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए दिन में। वैसे तो मैं सुबह बनाती हूँ, लेकिन दिन में मुझे और भी कुछ बनाना होता है अपने लिए अशर के लिए, तो मैं नहीं बना पाती हूँ। फिर अगर अशर जा जाता तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है मुझे, तो फटाफट से ही बना लेते हैं, उसके बाद काम करेंगे कुछ। सो गाइज, अभी मैं बस आई हूँ बाहर से, हम लोग गए थे कहीं बाहर, तो वहाँ से बस आई हूँ और जब रेडी हो रही थी तो मैं शूट नहीं कर पाई थी, तो बस आए हैं अभी यहाँ पर घर पे और अब बस सोने की तैयारी कर रहे हैं। तो अच्छा, जो नज़र में मिसिंग था वो था पंखा, क्योंकि यहाँ पे पंखे नहीं मिलते हैं। नौरोज़ में ये होता है कि जब हमारे यहाँ पहले ऐसा होता था, सभी क्या होता था कि नौरोज़ के टाइम पे जब वो पंखे से हवा दी जाती थी तभी पंखे खुलते थे घरों के, लेकिन अब तो खुल ही जाते हैं पंखे, कितनी गर्मी होने लगी है तो अब तो खुल जाते हैं, कोई वेट ही नहीं करता है नौरोज़ का। तो स्टिल वो पंखा रखा जाता है, अभी भी रखा जाता है, और यहाँ मुंबई में वो पंखा नहीं मिल रहा था, तो हम लोग को वो नहीं मिला तो हम लोग नहीं रख पाए, लेकिन तब भी उस पंखे की वजह से ना बहुत सोना सोना सा लग रहा था मुझे, क्योंकि वो था ही नहीं, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम थी। और ककड़ी वगैरह भी नहीं मिल रही थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी हम लोगों को लेने में। तो पहले यही होता था कि पंखे से हवा दी जाती थी उसके बाद पंखे खुलते थे, अब तो जाड़े में भी सब पंखे खोल लेते हैं, इतनी गर्मी हो जाती कभी कभी कि खोलना ही पड़ जाता। और मैंने ये सूट पहना था, ये बहुत ही प्रेटी लग रहा है, ये शादी में मुझे सूट मिला था। कितने शादी के कपड़े हैं जो अभी तक मैंने पहने नहीं, जो सिले भी नहीं हैं, वो मैंने पहने ही नहीं अभी तक। तो अब मैं सोच रही हूँ उसको धीरे धीरे सिलवाऊंगी और उसे पहनना शुरू करूँगी, क्योंकि फिर वो फैशन चला जाएगा तो फिर पहन भी नहीं पाएंगे। और कितने जो सिलवा लिए थे दो तीन, वो तो इतने छोटे हो गए कि वो अब आएंगे ही नहीं, देख के ही लगता है अरे इतने छोटे कैसे हो। अभी तो बस मैं जा रही हूँ थोड़ा सा किचन वगैरह काम करने, अशर की बॉटल्स वगैरह धोंगी, उसके बाद हम सोएंगे, क्योंकि अब नींद भी बहुत आ रही है, दिन में भी सही से सो नहीं पाई थी, निकलना हो गया था, चली गई थी, तो अभी बस सब समेटते हैं उसके बाद सोते हैं। अरे यार, मेरा व्लॉग खराब करने में सबसे बड़ा हाथ नजर आप ही का है, क्यों आ जाते हैं मेरे पीछे पीछे? अकेले में क्या यहाँ बकवास करती है? अरे व्लॉग क्यों आ जाते हैं पीछे पीछे? हम तुम्हारी एक्टिंग देखने आए थे। देख ली, हो गया सुकून, मिल गया, अब जाइए यार। तो मैंने इसका दुपट्टा है ऑरेंज, लेकिन मैंने इसको कैरी किया क्योंकि वो दुपट्टा मिल ही नहीं रहा था, तो मैंने सोचा चलो गोल्डन, इस पर वर्क भी बना हुआ है गोटा पत्ती का, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं गोल्डन दुपट्टा ओढ़ लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, थोड़ा डिसेंट लगेगा, तो मैंने ये ओढ़ लिया और ये बहुत प्रेटी लग रहा था। मैंने सैंडल पहनी थी वो भी थोड़ी सी इसी गोल्डन कलर की है, तो वो पहन ली थी, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रेटी लग रहा है मुझे, इसका वर्क मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये उसका घेर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो ये बहुत प्यारा है। और मैंने शादी के बाद अब पहना है, एक बार मैंने वीडियो शूट करी थी, रील शूट करी तब पहना था, और एक बार अब मैंने पहना है, मैं कहीं इसको पहन के गई नहीं हूँ, अब मेरे एकदम फिट आ गया है तो मैं इसको पहन रही हूँ। पहले तो मैं दुबली थी तो फिट था, फिर मैं मोटी हो गई तो मैं नहीं पहन पाई, लेकिन अब थोड़ा सा मैं कम हो रही हूँ तो ये अच्छे से फिट हो गया, तो मैंने पहन लिया। और बस आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाइएगा, और बेल आइकन पे जरूर जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव योरसेल्फ।